वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं क्लास ट्वेल्थ में अपनी नई पोएम के साथ। आज आप लोग पढ़ेंगे पोएम फोर और पोएम का नाम है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसके पोएट हैं थॉमस ग्रे। तो इससे पहले आप लोग तीन पोएम्स पढ़ चुके हैं इंटर में। पहली पोएम आपकी थी द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, दूसरी पोएम द ट्रू ब्यूटी और तीसरी पोएम आनी ब्लाइंडनेस। और जो पोएम्स आप पढ़ चुके हैं उनके सेंट्रल आइडियाज और एक्सप्लेनेशंस भी आप उसमें लिखे गए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं एक्सप्लेनेशंस उनको आप अपने आप करने की कोशिश करें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो पोएम फोर है आपकी एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। आज इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले पोएम की हिंदी समझ लें आप। एन एलिजी माने होता है, एलिजी माने होता है दुखद गीत। एलिजी माने दुखद गीत। तो एक दुखद गीत रिटन माने लिखा गया, इन माने में, एक कंट्री चर्चयार्ड माने होता है चर्च के प्रांगण में। चर्च जो ईसाइयों का गिरजाघर होता है उसे ही बोलते हैं चर्च। तो एक दुखद गीत चर्च के प्रांगण में लिखा गया, अर्थात चर्च के प्रांगण में लिखा गया एक दुखद गीत। और इसके कवि हैं थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे अंग्रेजी के एक बहुत फेमस कवि, इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं और इनकी ज़्यादातर रचनाएं जो हैं एलिजीज हैं, यानी दुखद गीत से संबंधित हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा जान लें पोएट के बारे में और उसके बाद अपना शुरू करते हैं हम पोएम। आप लोग बुक निकाल लें अपनी, पेज नंबर 87 पे जो ये चौथी पोएम आपकी दी है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो इसमें हम थोड़ा पढ़ते हैं पोएट के बारे में। लिखा हुआ है थॉमस ग्रे वाज बोर्न इन 1716। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में हुआ था, 1771 में इनकी मृत्यु हुई। और ये एक प्रोज राइटर हैं, माने गद्य लेखक हैं और ग्रे लिव्ड ए रेक्लूस लाइफ। ही वाज ऑफर्ड द पोएट लॉरेटशिप बट इट डिक्लाइन। तो ग्रे एक मस्त मौला जीवन जीते थे, उन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की गई लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। तो आप लोग ये जान लें कि थॉमस ग्रे का जन्म 1716 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु इनकी हुई 1771 में। और ये एक गद्य लेखक हैं और साथ ही साथ इन्होंने कुछ पद्य रचनाएं भी की। और इसके बाद अब आप जाने अबाउट द पोएम। तो पोएम बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें कवि जो है एक चर्च के प्रांगण में बैठा हुआ है और चर्च के प्रांगण के सामने कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान आप लोग जानते हैं क्या होता है, वो स्थान जहाँ मृत्यु के बाद लोगों को दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, वहाँ बैठा हुआ है। और वो बैठे बैठे इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कब्रिस्तान में पता नहीं कितने लोग जो कि गरीब रहे हैं पूरे जीवन भर, ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाए हैं, अर्थात अनपॉपुलर रहे हैं, उनको पता ही प्रसिद्धि भी नहीं मिली है, वो लोग इन कब्रों में चुपचाप शांत लेटे हुए हैं, स्थिर लेटे हुए हैं। तो उन कब्रों पर विचार करते हुए कवि ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है विचार करते करते कि उसने एक कविता लिख डाली है और उसी कविता का नाम है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि कवि इस पोएम में बताता है कि जो गिरजाघर की घंटियां हैं वो दिन के समाप्ति की ओर इशारा करती हैं और कवि गिरजाघर के प्रांगण में बैठा हुआ है, वो कब्रिस्तान की ओर जब निगाह करके देखता है तो उसे लगता है कि इस कब्रिस्तान में बहुत से असंख्य लोग ऐसे मृत अवस्था में लेटे हुए हैं जिन्होंने जीवन में किसी प्रकार की कोई ख्याति प्राप्त नहीं कर पाई है। वो जीवन भर संघर्ष करते
करता है रोजी रोटी के लिए, उनका वैभव, उनकी प्रसिद्धि उनके गांव के बाहर नहीं फैल पाई, अर्थात ज़्यादा वो लोग पॉपुलर नहीं हो पाए, तो उन लोगों के लिए कवि जो है कहता है कि वो लोग सारी चिंताओं से मुक्त होकर अब चुपचाप जो है अपनी कब्रों में शांत अवस्था में विश्राम कर रहे हैं, उन्हें अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं और वे संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हैं। कवि कहता है यद्यपि संसार में वो लोग ज़्यादा वैभव ज़्यादा प्रसिद्धि अर्जित नहीं कर पाए हैं, फिर भी वो लोग प्रशंसा के अधिकारी हैं, सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर कठिन मेहनत की है, कड़ा संघर्ष किया है। और कवि इसी क्रम में आगे हमें यह सुझाव देता है कि जो पैसे वाले लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, उन्हें इन गरीब लोगों को या इन गरीब लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, इनकी मजाक उन्हें नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत धनी हैं, हमारा स्टेटस ऊंचा है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास संपदा है, धन है, तो उन्हें इस बात पे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। और जो ये लोग मतलब बिना प्रसिद्धि के ही संसार से विदा हो गए हैं, उनकी खिल्ली भी नहीं उड़ानी चाहिए, और वो लोग भी प्रशंसा के अधिकारी हैं, क्योंकि संसार में ईश्वर ने उन्हें जैसे जैसे साधन उपलब्ध कराए, मतलब जितने साधन उपलब्ध कराए, उन साधनों से वो लोग जो भी कर सके वो उनके लिए काफ़ी रहा, क्योंकि इंसान उतना ही कर पाता है जितनी उसकी क्षमता होती है, और क्षमता के आगे कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। तो कभी कहता है कि उन लोगों ने भी भरकस प्रयास किया, लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं हो पाए, ये बात अलग, और प्रसिद्ध लोग हैं, महत्वाकांक्षी धनी लोग हैं, उन्हें इन गरीबों का ना ही अपमान करना चाहिए और ना ही इनकी खिल्ली उड़ानी चाहिए। और कभी कहता है कि बेशक संसार में आप प्रसिद्ध हो लें, आप पैसे वाले हो जाएं, धनवान हो जाएं, लेकिन एट लास्ट सबका स्थान बराबर ही होता है, एट लास्ट सबको कब्र में ही जाना होता है, और वहाँ पर किसी प्रकार कोई असमानता नहीं चलती है। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, और यदि आपके कर्म बुरे रहे हैं तो आपको वहाँ अपने कर्मों के हिसाब से रिजल्ट भोगना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, कवि के कहने का मतलब ये है कि मृत्यु इस संसार की एक परम सत्य है, वो हरेक को निश्चित यानी है, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है, और केवल थोड़े दिनों की जिंदगी में हमें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टेटस के हैं, हमारा परिवार, हमारा कुल धनी है, संपन्न है, और जो गरीब लोग हैं वो तुच्छ हैं, हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। ईश्वर की सब संतानें हैं, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है, और हरेक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, संपदा संपत्ति वैभव अपनी जगह पे है, लेकिन इसके लिए हमें किसी का अपमान, किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, ऐसा संदेश हमें पोएट देना चाहता है। तो स्टूडेंट, ये तो हमने ओरल आपको समझाया है, कवि वास्तव में पोएम में क्या समझाना चाहता है, और अब आप देख लें अपनी बुक में अबाउट द पोएम जो लिखा हुआ है उसको एक बार हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपनी बुक में देखें, लिखा हुआ है द पोएम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज ए काइंड ऑफ एलिजी। तो जो ये कविता है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये एक दुखद गीत प्रकार की कविता है। दिस एलिजी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यह दुखद गीत अंग्रेजी साहित्य के सबसे अच्छी रचनाओं में से एक माना जाता है। यह दुखद गीत अंग्रेजी साहित्य की सबसे अच्छी रचनाओं में से एक माना जाता है। और द पोएम इज स्मूथ एंड ग्रेसफुल। कविता स्मूथ माने क्या होता है? स्मूथ माने होता है नरम, अर्थात कविता बहुत ही स्थिर है, एंड ग्रेसफुल माने शोभायुक्त है। इट कंटेन्स कन्वे सेंटिमेंट्स टर्न इनटू एडमायरेबल क्वोटेबल फ्रेजेस। कविता में परिचित भावनाएं हैं जिनमें की कई महत्वपूर्ण फ्रेजेस का प्रयोग हुआ है। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स डीप सिंपैथी फॉर द पुअर। कविता कवि की
सहानुभूति को व्यक्त करती है गरीब लोगों के प्रति। कविता में गरीब लोगों के प्रति कवि की सहानुभूति को प्रकट किया गया है, फॉर द पुअर एंड अनसिविलाइज्ड, और गरीब लोगों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी कवि ने सहानुभूति प्रकट की है जो अशिक्षित रहे हैं, अशिक्षित ही इस संसार से विदा हो गए। सच पीपल लाई बरीड इन द ग्रेव, कवि कहता है कि ऐसे लोग अपनी कब्रों में पड़े हुए हैं, अनवेप्ट जिन पर कोई रोया नहीं है, अनसंग एंड अनोन जिनकी प्रसिद्धि किसी ने नहीं गाई, एंड अनोन और वे ज्यादा जाने पहचाने भी नहीं जाते हैं। द पोएम रिमाइंड्स दैट डेथ कम्स टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। द पोएम रिमाइंड्स, तो कविता याद दिलाती है कि मृत्यु बिना किसी अनिश्चितता के, मृत्यु बिना किसी अनिश्चितता के हर एक को प्राप्त होती है, अर्थात ये निश्चित है कि संसार में जिसने जन्म लिया है उसे अवश्य ही मृत्यु का सामना करना पड़ेगा या अवश्य ही उसे मरना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा अबाउट द पोएम। ऊपर के दो स्टेंजा हमने आपके सामने बोर्ड पर लिख के रखे हैं और इन्हें वन बाय वन वर्ड टू वर्ड हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा सीरियसली इसको देखें। तो लिखा हुआ है द कर्फ्यू टोल नेल। कर्फ्यू माने द कर्फ्यू टोल्स नेल पार्टिंग ऑफ द डे। कर्फ्यू टोल्स माने गिरजा घर की घंटियां, नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल माने बताती हैं, ऑफ पार्टिंग डे माने दिन के समाप्त होने का। तो गिरजा घर की घंटियां दिन की समाप्ति की ओर इशारा करती हैं, या गिरजाघर की घंटियां ये बताती हैं कि दिन समाप्त हो गया है, अर्थात सूर्य अस्त हो गया है। द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। द लोविंग माने रंभाते हुए, हर्ड माने पशुओं के झुंड, वाइंड माने चलते हैं, स्लोली माने धीमे धीमे, ओवर द ली माने पगडंडी पे। और रंभाते हुए पशु धीरे धीरे गांव की पगडंडियों पर चलते हैं या चले आ रहे हैं। द प्लोमैन होमवार्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। द प्लोमैन माने हल भरे हुए किसान, या हल से सुसज्जित किसान, या हल लिए हुए किसान, होमवार्ड प्लॉट्स, प्लॉट्स माने चला आता है, हिज वियरी वे अपने थके हुए रास्ते पर। यहाँ पर रास्ता थका हुआ नहीं है बल्कि थका हुआ किसान है, और थका हुआ किसान रास्ते से चला आता है, चला आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। एंड लीव्स माने छोड़ देता है, द वर्ल्ड माने संसार को, टू डार्कनेस अंधेरे में, एंड टू मी माने मुझे भी। और कवि कहता है किसान मुझे और इस संसार में, इस संसार को अंधेरे में छोड़कर चला जाता है। तो स्टूडेंट, जो स्टेंजा में पढ़ा है इसमें कवि हमको ये बताता है कि द कर्फ्यू टोल्स नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघर की घंटियां दिन की समाप्ति की ओर इशारा कर रही हैं। गिरजाघर की घंटियां दिन की समाप्ति की ओर इशारा कर रही हैं। द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, रंभाते हुए पशु पगडंडी या पगडंडियों पर आगे बढ़ रहे हैं। रंभाते हुए पशु पगडंडियों पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जो ग्रामीण अंचल होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, और जो चरवाहे पशुओं को चराने जाते हैं, सूर्योदय के बाद रंभाते हुए पशु जो है पगडंडियों से अपने घर की ओर लौटते हैं। वही बात यहाँ पर कही जा रही है, रंभाते हुए पशु पगडंडियों से अपने घर की ओर लौट रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे, और किसान या हल धरे हुए किसान, थका हुआ हल धरा हुआ किसान, या हल को पकड़े हुए थका हुआ किसान अपने घर की ओर चला आ रहा है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और कभी कहता है ये सब लोग संसार को और मुझे अंधकार में छोड़कर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इन
चार लाइनों का हम एक मिनट निकालेंगे तो इनका अर्थ ये हो जाएगा कि कवि थॉमस ग्रे चर्च के प्रांगण में बैठे हुए कवि थॉमस ग्रे चर्च के प्रांगण में बैठे हुए कब्रों की ओर देख रहे हैं। कवि थॉमस ग्रे चर्च प्रांगण में बैठे हुए कब्रों की ओर देख रहे हैं और गरीबों की अशिक्षित लोगों की स्थिति पर विचार करते हुए कहते हैं कि गिरजाघर की घंटियां दिन के समाप्ति की ओर इशारा कर रही हैं। रंभाते हुए पशु पगडंडियों से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। थका हुआ किसान हल धरे हुए अपने रास्ते से आगे बढ़ रहा है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और ये सब लोग संसार को और मुझे अंधकार में छोड़कर आगे चले जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये हो गई चार लाइने। अब देखते हैं नेक्स्ट। बीनत माने के नीचे, दोज माने उन, रेल्ट माने कुंडुरे, एम्स माने होता है एक पेड़ जो बहुत ऊंचा पेड़ होता है, एक प्रकार का पेड़ जो काफी ऊंचाई तक होता है, यूरोप में पाया जाता है। तो बीनत दोज रेल्ट एम्स उन कुंडुरे एम्स के पेड़ों के नीचे दैर यू ट्री सेड, दैर माने उस, यू माने होता है एक हरा भरा घना घना पेड़ जिसमें लाल लाल फल आते हैं। यू ट्री एक हरा भरा चौड़े पत्तों वाला पौधा जिसमें लाल लाल फल आते हैं। तो बीनत गोल रज एम्स उन खुरदुरे एम्स के पेड़ों के नीचे दैट यू ट्री सेड, और इसके माने होता है सदाबहार वृक्ष, ये वृक्ष सदाबहार होता है। That you tree said, और सदाबहार वृक्ष की छाया के नीचे, तो उन खुरदुरे एल्म्स के पेड़ों के नीचे और सदाबहार वृक्षों की छाया के नीचे, वेयर माने जहां पर, हीव माने ढेर लग गए हैं, द टर्फ माने घास के, इन मैनी मोल्डरिंग हीव, इन माने में, मैनी माने कई और मोल्डरिंग माने ऊंची नीची, ही माने ढेर, तो वेयर हीव द टर्फ इन मैनी मोल्डरिंग हीव, अर्थात जहां पर कब्रों के ऊपर उठी हुई ऊंची नीची मिट्टी जमा है और मिट्टी के ऊपर घास उग आई है, घास ने अपना डेरा बना लिया। तो वेयर ही यूज्ड टर्फ इन ए मैनी मोल्डरिंग हीव, अर्थात कब्रों पर मिट्टी उठी हुई जमा है, ऊंचे तक मिट्टी जमा है और उस मिट्टी पर घास उग आई है। ईच इन इट नैरो सेल, ईच माने खरकोई, इन माने में, इन माने अपनी, और नैरो माने संकीर्ण, सेल माने कोठरी में, फार इवर लीड, फार इवर माने हमेशा हमेशा के लिए, और लेड माने लेटा हुआ है। तो हर कोई संकीर्ण कोठरों में हमेशा हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रियूड, रियूड माने होता है अशोभनीय या अशिक्षित, यहां पे कह सकते हैं अशिक्षित, अनपॉपुलर। द रियूड फॉर फादर्स माने पूर्वज, आप हैमलेट गांव का नाम है, स्लीप माने सोते हैं। तो स्टूडेंट्स, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर इवर लेड, हर कोई अपनी संकीर्ण कोठरी में लेटा हुआ है और उन्हीं कोठरी में हैमलेट के पूर्वज आराम से सो रहे हैं, आराम से विश्राम कर रहे हैं। तो कहने का आशय यह है कि बीनत दोज रेड एम्स दैट यू ट्री सेड, where he used the turf in mining modeling deal, कभी कहता है कि खुरदुरे एल्म्स के वृक्षों की छाया के नीचे और
गरीब अशिक्षित व्यक्तियों की कब्रें हैं जिन पर ऊपर उठी हुई मिट्टी जमा है और उस मिट्टी के ऊपर घास जम गई, घास उग आई है या घास जमी हुई है। इन नैरो सेल और उसी कब्रिस्तान में अपनी संकीर्ण कोठरी में हर कोई हमेशा हमेशा के लिए लेटा है और उन्हीं कोठरियों में हैमलेट के अप्रसिद्ध पूर्वज आराम से सो रहे हैं, आराम से विश्राम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये दोनों स्टेंजाज हैं, जब इनकी हम हिंदी एक में निकालेंगे तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि गिरजाघर के प्रांगण में बैठे हुए कवि थॉमस ग्रे उन गरीब और अशिक्षित व्यक्तियों की स्थिति पर विचार करते हुए कहते हैं, द कर्फ्यू टोल्स नेल ऑफ पार्टिंग डे, कि गिरजाघर की घंटियां दिन की समाप्ति की ओर इशारा करती हैं। द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, रंभाते हुए पशु पगडंडियों से अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं या अपने निवास स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। द प्लूमैन होमवर्ड टॉवर्ड्स द वेरी वे, और हलधर यानी हल धरे हुए किसान थका हुआ रास्तों से आगे बढ़ रहा है और वो ये सब मुझे और इस संसार को अंधकार अंधकार में छोड़कर जा रहे हैं। अब इन लाइनों का दोनों स्टेंजास का अर्थ एक में निकालते हैं। कवि थॉमस ग्रे उन गरीब और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए विचार करते हुए कहते हैं जो इस संसार में फेमस नहीं हो पाए, उनके लिए कहते हैं कि गिरजाघर की घंटियां दिन की समाप्ति की ओर इशारा कर रही हैं, रंभाते हुए पशु पगडंडियों से अपने निवास स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हल धरे हुए किसान थका हुआ अपने रास्ते से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और ये सब लोग मुझे और इस संसार को अंधकार में छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद कवि कहता है कि कब्रिस्तान में जहां पे उन बेचारे पूर्वजों की कब्रें हैं तो वहां पे ऊंचे ऊंचे एल्म्स के पेड़ हैं और उन एल्म्स के पेड़ उन खुरदुरे एल्म्स के पेड़ की छाया के नीचे और सदाबहार वृक्षों की छाया के नीचे, सदाबहार वृक्षों की छाया के नीचे उन बेचारे ग्रामीणों की कब्रें हैं जिन पर मिट्टी कुछ ऊपर तक उठी हुई है, अर्थात जहां पर मिट्टी के ढेर बन गए हैं और उन ढेरों पर घास उग आई है। उन्हीं कब्रों में बेचारे ग्रामीण जो अप्रसिद्धि में ही इस संसार से विदा हो गए, अशिक्षित ही इस संसार से विदा हो गए, अपनी अपनी संकीर्ण कोठरियों में हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। और कवि कहता है कि इस हैमलेट गांव के पूर्वज जो कि असभ्य रहे, अशिक्षित रहे, गरीब रहे, आराम से अपनी संकीर्ण कब्रों में विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा इन दो स्टेंजास का एक्सप्लेनेशन और जो ये दो स्टेंजास हैं इनका वो समझ लें राइम स्कीम क्या है। तो पहले हम देखें, लिखा है द कर्फ्यू टोल्स नेल ऑफ पार्टिंग डे, ए है यहाँ पे, तो ये ए हम इससे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे ली है इसको हम बी से इंडिकेट करते हैं, ये वे है इसको ए से और मी है इसको बी से। तो पहले स्टेंजास की राइम स्कीम हुई ए बी और लिखा है Venus those red imps that you fixed, इसको ए से इंडिकेट करते हैं, keep इसको बी से इंडिकेट करते हैं और लेड इसको ए से इसको बी से। तो जो ये स्टेंजास लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स इनकी राइम स्कीम है द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टेंजास इज ए
बचे हुए स्टेंजाज हैं, अभी तीन स्टेंजाज इस पोएम में और शेष हैं, तो उनको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और स्टूडेंट्स जो ये पोएम हमने आज आपको समझाने का प्रयास किया है, आप लोग थोड़ा सीरियसली इसको समझने का प्रयास करें, और यदि कोई समस्या इसमें है तो आपकी बुक में जो पोएम है ये उसमें मीनिंग्स एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपको समस्या रहती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आशा है कि आप लोग सीरियसली पढ़ते रहेंगे, अच्छी प्रकार पढ़ते रहेंगे। एक बात और स्टूडेंट्स कि जो हमारा चैनल है, एक तो स्कूल का चैनल ये मल्लापुर स्कूल इंटर कॉलेज के नाम से चल रहा है, दूसरा हमने एक अपना चैनल बनाया है ज्ञान ज्योति इंग्लिश क्लासेस, तो उस पर ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम। और जब आप वीडियो देखें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लाइक की बटन है उसको दबा दें, ताकि जो वीडियो यहाँ से भेजे जा रहे हैं वो आपको सबसे पहले मिलें, उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो, और आप लोग वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, एंड टिल देन।